प्रदेश में जैसे जैसे आम चुनाव का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस के मोर्चे अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने में लग चुके हैं। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के प्रदेश संयोजक और लोकसभा चुनाव प्रभारी राजेंद्र सेन ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि इस बार कांग्रेस प्रदेश की सभी 25 सीट जीतेंगी, इसमें ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सेन ने बताया, इस बार चुनाव में कांग्रेस का नारा है, कांग्रेस विजय रथ चला, ओबीसी बनी सारथी, आओ इस महासमर में उतारे विजय आरती। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग को हमारे प्रदेश के मुखिया सचिन पायलट साहब और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने ये निर्देश दिए हैं कि 25 की 25 लोकसभा सीटों पर आप जाओ और एक एक सम्मेलन प्रत्याशी के पक्ष में करो। और ओबीसी की जो छोटी छोटी जातियां हैं, जिन जातियों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछ रही, उन जातियों को एकजुट करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान डलवाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और हर जगह हम प्रत्याशी के पक्ष में एक सम्मेलन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लोगों को अवगत भी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक नारा लेकर के ओबीसी विभाग चल रहा है कि कांग्रेस का विजय रथ चला, ओबीसी बनी सारथी, आओ इस महासमर में उतारे विजय आरथी। जिस तरह से विधानसभा में ये रथ विजय रथ चला था ओबीसी का, उसमें कृष्ण की भूमिका सचिन पायलट साहब ने निभाई थी और अर्जुन की भूमिका अशोक गहलोत जी ने निभाई थी। तो जब इस विजय रथ पर दोनों ही ओबीसी के महारथी सवार हैं तो ओबीसी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। इस प्रदेश में कम से कम 52% ओबीसी के लोग हैं, अगर एकजुट हो जाएं तो 25 की 25 सीटें कांग्रेस की झोली में चली जाएगी। यही काम हम पूरे प्रदेश में घूम घूम के कर रहे हैं और छोटी छोटी जातियों को जोड़कर कांग्रेस के प्रति रुझान बना रहे और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का काम कर रहे हैं। अगला जो कार्यक्रम हम जोधपुर में करेंगे, उसके बाद कोटा में है और उसके बाद जयपुर में हम करके आए कार्यक्रम, हर लोकसभा में हम ये कार्यक्रम। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।